हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद उजाला। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो की लहंगा। एंड ये जो लहंगा है ना गाइस, बहुत ही खूबसूरत है। पिक्चर इसकी थी ना, वो इतनी अट्रैक्टिव थी ना कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं लेने से पहले। बट एक बात मैं आपको बताऊंगी, पिक्चर में जैसी दिख रही थी वैसी मिली नहीं है मुझे। पिक्चर में है ना, पिक्चर वाली जो थी ना उसमें ग्लिटर्स लगे हुए थे, रियल मिरर्स लगे हुए थे। बट ये जो मुझे रिसीव हुई इसमें ग्लिटर्स कहीं भी नहीं है, रियल मिरर कहीं भी नहीं है। इसमें जस्ट आपको फेक मिरर मिल रहे हैं। एंड इसकी जो प्राइस है 2600 समथिंग है। मिरर का वर्क है ना वो थोड़ा अच्छा किया गया है। फेक मिरर का जो वर्क होता है ना, कभी कभी बहुत ही रफ कर देते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ग्लैम विद उजाला, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस, जिनको भी नहीं पता है, जो मेरे चैनल पे न्यू है, मुझे न्यू देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ, मेरे चैनल पे चल रही है गिव अवे। एंड इस गिव अवे में टोटल 20 विनर हो सकते हैं। तो अगर आपने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। गिव अवे के रूल्स काफी सिंपल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी सारी वीडियोस को वॉच करनी है, जो भी वीडियोस मेरी आती है उन सारी वीडियो को वॉच करनी है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करनी है, जो भी शेयरेबल मेंबर आपके थ्रू आते हैं मेरे चैनल पे उनको सब्सक्राइब करना है, कमेंट में हैशटैग आपका नेम यूज करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। अगर इंस्टाग्राम यूज करो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। ये कुछ गिव अवे के रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। तो अगर आप न्यू देख रहे हो मुझे तो आप भी गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हर टाइम में, क्योंकि मैं 31st को विनर अनाउंस करने वाली हूँ, तो मैं आपको लहंगा दिखा देती हूँ। ये जो लहंगा है ना गाइस, ये कुछ इस तरह की है। इसकी जो रियल इमेज है ना, मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि इसमें मुझे डिफरेंस क्या मिली है। सबसे पहले मैं आपको इसकी ब्लाउज दिखा देती हूँ। ब्लाउज जो है ना इस तरह की है। ऑल ओवर इस पे आपको फेक मिरर का वर्क मिल जाएगा इस तरह से। जो फेक मिरर की वर्क है ना, आपको मैं दिखा दूँ, उतनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छे से वर्क किया गया है। इसमें आपको बाजू के लिए भी कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा मिल रहा है, आप देख सकते हो इस तरह से। एंड बाजू पे भी आपको इस तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। एंड ये जो कपड़ा है, ये जो लहंगा है ना, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह है ना तो आप डेफिनेटली इसे बाई कर सकते हो, क्योंकि प्राइस वाइज जो है ना कपड़ा उतना बुरा नहीं है, कपड़े की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस कपड़ा काफ़ी अच्छा है, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड ये जो है ना चंदेरी मटेरियल के ऊपर आपको इस तरह का वर्क मिल जाएगा। जो ब्लाउज का कपड़ा है बिल्कुल इसी तरह का मिलेगा आपको, चाजू में भी आपको वही कपड़ा मिल रहा है। एंड जो ये पोर्शन, एंड ये जो मेन पोर्शन है ना, उसमें आपको सेम वही कपड़ा मिल रहा है। इसके ऊपर पूरी डेंस वर्क की गई है, आप देख सकते हो इस तरह से। फेक मिरर वाले कपड़े को ना प्रमोट नहीं करती हूँ, बट ये जो लहंगा है ना, इसे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अच्छा है, क्योंकि इसकी जो वर्क है ना वो काफ़ी अच्छी है। बट साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूँ कि पिक्चर जो है ना उससे बहुत ही डिफरेंट है। पिक्चर में जैसी पैटर्न यूज की गई है ना, पैटर्न को कॉपी किया गया है, मटेरियल बिल्कुल भी उससे मैच नहीं करती है। इस पे जो यूज किया प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी उससे मैच नहीं करती। बहुत ही चीप मटेरियल यूज किया गया है, बहुत ही चीप प्रोडक्ट्स इसके लिए यूज किए गए हैं। बट हाँ, वो डिज़ाइनर लहंगे हैं, आपको अराउंड 50-60,000 में मिलेंगे, बट यहाँ आपको 2600 में जो मिल रहा है। एंड ये ब्लाउज का पीस हो गया। एंड इसमें जो दुपट्टा मुझे रिसीव हुआ है ना, वो भी कुछ इस तरह की है, स्काई ब्लू कलर का नेट है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ आपको इस तरह का मिल जाता है, यहाँ आपको इस तरह के मिल जाते हैं डिज़ाइन कॉर्नर्स पे, आप देख सकते हो। फेक मिरर की ही वर्क है, बट वर्क अच्छी की गई है। अगर आप पार्टीज फंक्शन में पहनते हो ना तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है लाइट पे, कि इसकी जो कलर है ना वही काफ़ी अच्छी है। एंड इसका दुपट्टा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नर्स पे ना आपको इस तरह के डिज़ाइन मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड आप जब इस तरह से इसे रखते हो ना, तो आपको मैं रख के दिखा देती हूँ, आप देखो कितना खूबसूरत लगता है। लाइट्स वगैरह पे ना बहुत ही सुंदर लगने वाला है, तो आप इजिली इसे कैरी कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छी लगी दुपट्टा, थोड़ी सी ना इसकी जो रियल इमेज थी ना उससे मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। जो स्कर्ट है ना, ये कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हो। यहाँ कमर के पास आपको इस तरह का वर्क मिल जाता है। एंड ऑल ओवर स्कर्ट में आपको इस तरह की लाइनिंग्स मिल जाती है। ये अगेन फेक मिरर है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, सारे फेक मिरर है। ये जो है ना आपको अपने साइज में स्टिच करवानी होगी, ये बिल्कुल भी स्टिच हुई नहीं आई है, बिल्कुल अनस्टिच आई है। एंड पूरे स्कर्ट पे इस तरह का वर्क है। एंड इसमें आपको इनर का भी कपड़ा मिल रहा है इस तरह से, ये थोड़ी सी क्रेप मटेरियल में है। एंड इसकी जो इनर है ना, इसके साथ सिली हुई है ना, इसके साथ सिली हुई है। एंड इसमें आपको, एंड इसकी जो बॉटम है ना, उसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह की मिल जाएगी आपको। ऑल ओवर इसमें फेक मिरर का ही यूज़ किया गया है और कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, आप देख सकते हो इस तरह से है। बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइस, बॉटम पोर्शन इसका बहुत ही सुंदर है। इसकी जो बेस्ट पार्ट है ना वो ये है कि आपको इसमें कैन कैन भी मिल रहे हैं,
आपको लहंगे की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है. ऐसा नहीं है कि आप 2600 देकर वेस्ट कर रहे हो अपनी मनी को, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हो. और लहंगा जो है बहुत ही सुंदर है. फिनिशिंग इस लहंगे की बहुत अच्छी है क्योंकि जो वर्क होती है ना फेक मिरर्स की, उनकी जो फिनिशिंग होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती. बट यहाँ मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा है कि फेक मिरर जो होते हैं ना उसमें वेट नहीं होता. तो इसलिए मैं इस लहंगे को हाईली रिकमेंड करूँगी. बहुत ही खूबसूरत लहंगा. लहंगा है ना जैसी मीशो मुझे दिखी ना मैंने झट से ऑर्डर कर लिया. एंड मुझे लग रहा था कि हाँ जितनी अच्छी दिख रही है ना वैसी मुझे मिलने वाली तो नहीं है. मुझे देखना था कि किस तरह से कॉपी किया गया है इसे. तो मैं बस आपको यही बता रही, अगर आपको कोई डिजाइनर पीस मिलते हैं ना मीशो पे तो आप ना अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा मत रखना उसकी. आपको प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं मिलने वाले हैं. आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे ना वो बहुत ही चीप मिलने वाले हैं. एंड वहाँ जो होते हैं ना डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स के रेप्लिकाज होते हैं, बॉलीवुड के रेप्लिकाज होते हैं. ये समझना कि इतनी अच्छी जो दिख रही है ना ये ऐसी मुझे मिलने वाली है, इसमें कुछ ना कुछ तो मुझे प्रॉब्लम दिखेगी. एंड बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि दी आप ना गलत चीज़ें नहीं बताते मीशो की, हमेशा अच्छी अच्छी प्रोडक्ट ही दिखाते हो. लहंगे के साथ एक सरारा सेट भी ऑर्डर किया था एंड वो मुझे जब मिली है ना तो मुझे उसके साथ तो मुझे सरारा सेट नहीं मिली थी, मुझे साड़ी मिली थी. एंड साड़ी इतनी गंदी थी ना, इतनी गंदी मतलब 100 रुपये में भी कोई वैसी साड़ी तो ना खरीदे. बहुत ही कम लेंथ थी उस साड़ी की, लाइक अगर कमर में आप डालते हो ना एंड प्लेटिंग करते हो तो वहीं ख़त्म हो जाती है. मटेरियल इतनी गंदी थी मैं बता नहीं सकती. तो मैंने उसी टाइम उसे रिटर्न में डाल दिया क्योंकि अभी मीशो का बहुत ज़्यादा गंदा एक मुझे सिस्टम लगता है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट गंदी लग रही है आप रिटर्न करते हो एंड वो आपके अकाउंट्स को ब्लॉक कर देते हैं. तो ये आपके साथ शेयर भी करना चाहती थी. जिस चीज पे श्योर हो ना वही प्रोडक्ट आप लो, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मत लो जिसमें आप श्योर नहीं हो. एंड मीशो में तो ऐसा भी होता है कि आप श्योर होकर भी कुछ लेते हो तो कुछ गंदा आ जाता है, तो तब आप रिटर्न करने जाओगे ना तो आपकी जो अकाउंट है अकाउंट ब्लॉक कर दी जाएगी. तो आप इस चीज का ध्यान रखना. इसीलिए मैंने उसी टाइम रिटर्न में डाल दिया क्योंकि मुझे मैं वो साड़ी रख ही नहीं सकती थी. मैंने 1500 का सरारा सेट ऑर्डर किया था एंड मुझे मिली थी जो साड़ी वो मैं 100 रुपये में भी ना लूँ. तो इस वजह से मैंने उसी टाइम रिटर्न में डाला एंड दिन में भैया आकर ले गए. एंड मैं नाइट में वीडियो बनाती हूँ तो अभी वो प्रोडक्ट मेरे पास है नहीं इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती. एंड जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ जेन्युइनली बात करूँ आप लोगों के साथ के बारे में, बिल्कुल सही बातें आपको बताऊँ, कुछ भी मैं गलत पोर्ट्रे नहीं करना चाहती आप लोगों से. तो यही कुछ बातें मैं आपको बताने वाली थी. तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना. वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर देना. तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग.